हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8 की साइंस बुक से चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन और आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें जो एक्सरसाइजेस, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ये करना है। जैसे कि कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन। तो ये आपको नीचे लिखे हुए फिल इन द ब्लैंक्स में इनको भरना है एज इट इज। तो सबसे पहले क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स से आपको एक चीज और मिल गई, वो है क्रॉप की डेफिनेशन। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो ये क्रॉप आएगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो है वो है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जो पहला स्टेप है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। जो तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है वो है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वॉटर। तो ऊपर लिखे वर्ड्स में से क्या आएगा, वो आएगा फ्लोट। तो जो डैमेज सीड होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा सीड डैमेज्ड है। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें वर्ड आएगा सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। न्यूट्रिएंट और वाटर बहुत जरूरी है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब जो है हम आ रहे हैं मैचिंग पे, तो मैचिंग हम कराएंगे। इसमें लिखा है कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि बरसात के मौसम में हम सो करते हैं, बोते हैं खेतों में, उनको लगाते हैं, तो वो खरीफ क्रॉप है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है हमारा, पैडी और मेज, ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप, इसको हमने मैच कर दिया। अब रबी क्रॉप क्या होती है, वो क्रॉप जिनको कि हम सर्दियों में लगाते हैं, इनको कम पानी की जरूरत होती है, तो वो है हमारे वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स वो क्या है, होते हैं हमारे जैसे कि यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, जो कि हम केमिकल्स यानी फैक्ट्रीज में उनका फॉर्मेशन करते हैं, उनको सिंथेसिस फैक्ट्रीज में होती है, वो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करती, केमिकल्स के थ्रू उन फर्टिलाइजर्स का हम फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर किससे बनता है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो इससे है हमारा जो है ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जो हम कुदरती रूप से खाद बनाते हैं उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल तो आपको ऊपर ही दिख गया, जैसे कि खरीफ क्रॉप क्या है, पैडी और मेज, और रबी क्रॉप क्या है, वीट और ग्राम। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वीडिंग, सोइंग, थ्रेशिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि जैसे कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, पहले हम उसमें प्लोइंग करते हैं, फिर उसको जो है हम उसके सॉइल की टेस्टिंग करते हैं कि सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से नहीं है, तो फिर हम उसको मैन्योरिंग करते हैं, फिर उसमें हम सीड को सो करते हैं, और कभी कई बार हमें उसमें थोड़ा सा इरिगेशन भी करना पड़ता है ताकि जो बीज है उनको नमी मिल सके, पानी मिल सके, ताकि वो ग्रो हो सके, जर्मिनेट कर सके। तो ये सारी प्रोसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आती है। आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ मैंने लिख के दिया है आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। दूसरा है सोइंग, सोइंग मतलब बीज को बोना, जमीन में बोना, ठीक है, ये प्रोसेस है सोइंग। तो सोइंग के पहले हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम सीड अच्छी क्वालिटी के सीड लें, डैमेज सीड ना लें। सोइंग करते वक्त हम ये देखें कि जो सीड हम बो रहे हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे हो, ताकि जब पौधे उग जाए तो ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, एक ही जगह पे ज्यादा पौधे लगे और कुछ जगह बिल्कुल खाली है, इससे पौधे जो है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सोइंग के समय में हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना है कि हमें अच्छी सीड्स मिले, डिजीज फ्री सीड मिले, हम जो बुआई है प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मौसम में करें, सॉइल के हिसाब से करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रॉपर डिस्टेंस पे बीजों को बोए, तभी हमारा
प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा। वीडिंग, वीडिंग मतलब जो खरपतवार है, जो फालतू पौधे हैं जिसको हमने नहीं लगाया, वो अपने से उगाई हैं, तो उन पौधों को निकालने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। तो ये हाथ से भी होती है और कई बार हम वीडिसाइड्स भी यूज करते हैं, जो कि हमारे क्रॉप में जो पौधे उगाए हैं, अनवांटेड प्लांट्स उगाए हैं, उनको किल कर देती है। ठीक है, तो वीडिंग जो है जनरली जो है जो खरपतवार होते हैं उनमें फ्लावरिंग होने से पहले हम उनको उखाड़ देते हैं, ताकि उनके बीज फिर से ना गिर जाएं और नए पौधे, नए बीज फिर से ना उग जाएं। चौथा पॉइंट है थ्रेशिंग, यानी कि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, जैसे गेहूं की बाली होती है, गेहूं उगता है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो अब हम उसको थ्रेशिंग के थ्रू जो उसके सीड्स होते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसको यूज कर सके। ठीक है, तो क्योंकि हर एक जो सीड होती है वो एक कवरिंग में आती है, नेचर के थ्रू एक कवरिंग में आती है, तो हम थ्रेसिंग के थ्रू जो है एक प्रोसेस है जिससे कि हम जो है अपनी फसल को वापस से मतलब यूज करने लायक बना लेते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो इसका आंसर तो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस, फर्टिलाइजर्स केमिकली प्रिपेयर होते हैं, मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक से जो डेफिनेशन लिखा है उसी को इसमें लिखिए। व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन जो है वो है, इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, यानी कि जैसे कि ऐसे तो पौधे जैसे हमने लगाया, ठीक है, और बारिश हो गई, तो वो भी इरिगेशन है क्या? नहीं, बारिश हो गई तो वो इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन इज एन आर्टिफिशियली, जब हम पानी अवेलेबल करवाते हैं प्लांट्स को खेतों में लार्ज एरिया में, तब हम उसको इरिगेशन कहते हैं। गमले में पानी देने को इरिगेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। वेन वी गिव वाटर आर्टिफिशियली टू अ लार्ज क्रॉप प्लांट ऑन ए लार्ज लैंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज इरीगेशन। इरीगेशन के लिए लार्ज प्लॉट होना चाहिए और आर्टिफिशियल तरीके से हमें वाटर पहुँचाना चाहिए, नेचुरल तरीके से नहीं। तो डिस्क्राइब टू मैथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, तो इसमें दो मैथड्स कौन से हैं, वो है ड्रिप मैथड है और स्प्रिंकलर मैथड है। इन दोनों ही मैथड से पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि पानी बहुत हर जगह जो एक एक बूंद जो है उसकी बहुत कीमती है और वो पूरे पौधे तक पहुंचती है, तो ये बहुत ही पानी को बचाने वाली ये दो प्रोसेस है। सो अब हम देखते हैं, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट को खरीफ सीजन यानी बरसात के मौसम में बो दिया जाए तो क्या होगा? अगर वीट को बरसात के मौसम में बो दिया जाएगा तो वीट की फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि वीट को उतना पानी नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात में हमेशा बारिश होती रहती है, तो वीट के पौधे लगाएंगे, बारिश होती जाएगी तो वीट बिल्कुल मर जाएंगे उसके पौधे और फसल हमारी नहीं होगी। तो इसीलिए वीट की फसल जो है हम सर्दियों में लगाते हैं जबकि कम बारिश होती है। ठीक है, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे लिखा हुआ है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो अगर हम कंटिन्यूस अपने फील्ड में क्रॉप्स लगाते जाएं तो उस फील्ड का क्या होगा? तो उसमें अगर हम कंटिन्यूस उसको बैरन कभी ना छोड़ें, उसको खाली कभी ना छोड़ें, तो वो सारे पौधे जो है उसका न्यूट्रिएंट ले लेंगे। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लिखा है। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ब्लाइ प्लकिंग, हाथ से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, वो है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स को छिड़क करके हम वीड्स को कम कर सकते हैं। इसका जो आप आंसर है ये देख रहे हैं स्क्रीन। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के समय में कौन कौन से स्टेप्स किस किस टाइम फॉलो किए जाते हैं, उसका हमको एक सीरियल ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे एक कुछ बॉक्सेस देख रहे हैं, इनको हमें सीरियल ऑर्डर में, सही सीरियल ऑर्डर में लिखना है। जो सीरियल ऑर्डर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। तो चलिए आइए हम इसको सही ऑर्डर में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे आएगा प्लोइंग ऑफ द फील्ड, ये नंबर 1 है। उसके बाद क्या आएगा, हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये नंबर 2 आएगा।
फिर तीसरे पे क्या आएगा, हमारा तीसरे पे आएगा सोइंग, ठीक है, सोइंग आएगा। फिर चौथे पे क्या आएगा हमारा, इरिगेशन, ठीक है। फोर्थ पे इरिगेशन आएगा। फिफ्थ पे क्या आएगा, मैन्योरिंग, ठीक है। और सिक्स्थ पे क्या आएगा, हार्वेस्टिंग, ठीक है। और सेवन्थ पे क्या आएगा हमारा, सेंडिंग क्रॉप टू द फैक्ट्री, ये जो है ये लास्ट में आएगा। तो ये होता है ऑर्डर किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी सबसे पहले हमको अपने खेत की यानी जुताई करनी होती है, फिर सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद हमें उसमें सोइंग करना होता है, फिर हमें उसमें इरिगेशन करना होता है, फिर उसमें मैन्योरिंग करनी होती है, और फिर हार्वेस्टिंग, और फिर सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री और एनी अदर प्लेस, जो अगर कोई और क्रॉप लगी हो तो। फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ये नीचे कुछ आपको क्लू दिए हुए हैं, इसकी मदद से आपको ये जो पजल दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डाउन मतलब ऊपर से नीचे के लिए, ये जो कॉलम देख रहे हैं ना आई से, ऊपर से ये, ऊपर से नीचे के लिए ऊपर वाले ऊपर पजल्स यूज करने, और अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ये, ठीक है, ऐसे ये जो अक्रॉस बॉक्सेस है उनके लिए ये क्लूज हमको दिए गए हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं किसमें क्या क्या आ सकता है। तो पहले हम डाउन देखेंगे, वन में क्या आ सकता है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो ये जो वन है इसमें क्या आ सकता है, इरिगेशन। तो जो हमारा है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर, दूसरा जो पॉइंट है वो है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, तो इसमें क्या आ जाएगा, एस लिखा हुआ है तो यानी कि स्टोरेज, तो लॉन्ग टाइम के लिए रखने का स्टोरेज, तो इसमें स्टोरेज आएगा टू में। फिर हमारा है फाइव, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, तो फिफ्थ में है क्रॉप, वो क्रॉप आ जाएगा सी आर ओ पी, क्रॉप, ठीक है। अब हम देखेंगे अक्रॉस, अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप, कोई मशीन जो कि मैच्योर क्रॉप को काटने के लिए यूज होती है, तो वो क्या है हमारी, एच से शुरू होती है, वो है हार्वेस्टर, ठीक है, एच ए आर वी ई एस टी ओ आर, हार्वेस्टर, ठीक है। और फोर्थ है रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, रबी क्रॉप जो कि कोई दाल भी है, वो है ग्राम, जी आर ए एम, फोर्थ में ग्राम आ जाएगा। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, जो दाने हैं फसल के उनके जो चाफ है उनका जो भूसा है उससे अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिक्स को विनोइंग। तो होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।